नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास टेंथ इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर होने वाला 12 सितंबर को, यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो मिलने वाला है। तो इस पेपर का मेरा पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला सेक्शन ऐसे, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया हुआ है, इस पेसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेसेज आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला है। इस पेसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इस पेसेज के नीचे यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको डिसाइड के यहाँ पर नाउन बताना है, तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बी वाला। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, 4 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 4 वाले क्वेश्चन में हमारा सी वाला, बोट ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 5 वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, 5 वाले क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपके कितने 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन 2 में भी आपको एक पेसेज दिया हुआ है। इस पेसेज को पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक और यहाँ पर सावधानीपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पेसेज पूछे जाने वाला है। इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हमारा राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, हमारा ए वाला, सॉरी यहाँ पर हमारा, इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी वाला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा दूसरे क्वेश्चन देख लिया, दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर भी आप लगा लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा सी वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरे वाला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर पूछा हमारा वेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, हमारा बी वाला, ठीक है। इसके साथ ही हमारा चौथे क्वेश्चन देख लीजिएगा, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसे हमारा यहाँ पर ए वाला 1920 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 वाले क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 5 वाले क्वेश्चन में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपके 5 नंबर यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 2 के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारा सेक्शन बी से राइटिंग वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 में क्या करना आपको समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक पेसेज दिया हुआ है, इस पेसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पेसेज। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नोट्स तैयार करना है। इसके साथ दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइटल बताना है, क्या करना है, टाइटल बताना होगा। तो यहाँ पर देख लिया, आपको नोट्स किस प्रकार से बनाना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर नोट्स लिखना है, ठीक है। नोट्स लिखने के बाद आपको 1 पॉइंट और 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 से इसके साथ 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। यदि आपको नोट्स हो यहाँ पर टाइटल नहीं बनाना आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए एक अलग से यहाँ पर एक वीडियो बना देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आप सिंपल से यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर नोट्स हो यहाँ पर टाइटल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 में यहाँ पर देख लीजिएगा, यू आर मानसवी श्रीवास्तव स्टडिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा MP, इसमें आपको एक एप्सन लिखना है, क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। किसको लिखना है, आपके प्रिंसिपल को। किसके बारे में लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक एप्सन लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही इसका और वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, यू आर हिमांश राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड
दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेटर लिखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको लेटर लिखना है। तो हिंदी में बोलते हैं आप पत्र, आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 5 देख लिखा, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको 120 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर क्या करना है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ तैयार करना है। कितने शब्दों में लिखना है, 120 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए, 5 में से आपको किसी एक ऑप्शन पर यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 देख लीजिएगा, वन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या करना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको तैयार करना है, ठीक है, जिससे 3 नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही आपने हमारा अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेक्शन सी से ग्रामर वाले, ये आपकी परीक्षा 5 नंबर के ग्रामर वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 7 के, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन आपको आउट सूड मस्त का प्रयोग करना है, मतलब जो वर्ब सही है यहाँ पर वो इसका आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ यू जी एच हो जाएगा पहले क्वेश्चन में, ठीक है। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पर खालिस्तान में हमें क्या करना है, दूसरे खालिस्तान में आपको सिंस फोर फ्रॉम का प्रयोग करना है। इसका आंसर लगा लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ओ आर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरे यहाँ पर खालिस्तान देख लिखा, इसमें आपको क्या करना है, थ्रू द एफ ओ अनलेस का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर लगा लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में हमारा अनलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें अनलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लिया, चौथे क्वेश्चन आपको क्या करना है, सम एनी मैनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाला यहाँ पर सेंटेंस हमारा, इसलिए हमारा इसमें हमारा एनी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें एनी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा 5 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, वर्क हार्ड फिलिंग आपको खालिस्तान दिया हुआ, यू विल फेल, इसमें आपको राइट आंसर क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर 5 वाले क्वेश्चन में ओ लगाना, ओ आर इसमें लगाना है। इसके साथ ही हमारा 6 वाला क्वेश्चन देख लिए, इसमें आपको आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो इसमें हमारा द हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें द आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर आज से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 8 में आपको डू अस डायरेक्टेड करना है, जैसा कहा गया वैसा आपको करना है। ये आपकी परीक्षा 5 वाला क्वेश्चन पूछी जाने वाला है, जैसे कि हमारा यहाँ पर देख लिया पहला क्वेश्चन दिया है, सी कट हियर फिंगर। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना होगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा डिड सी कट हियर फिंगर, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा फिंगर लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, आपको लिखना होगा डेड सी कट हियर फिंगर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिकाउज का यहाँ पर प्रयोग करके आपको इस सेंटेंस को यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए, वैसे आपको इनके आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, आपको परेशान होना नहीं है, इनके आंसर आपको और मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और तीसरे क्वेश्चन आपको क्या करना है, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको परिवर्तन करना है। और चौथे क्वेश्चन में आपको सो डेट का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर टू बड़ा टू का हमारा है, यहाँ पर इस स्थान पर हमें सो लगाना है और इस स्थान पर हमें क्या लगाना है, डेट लगाना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया हमारा 5 वाला क्वेश्चन दिया, 5 वाला क्वेश्चन आपको हु का प्रयोग करना है। और यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ पर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लिया, हमारा सेक्शन बी से, सॉरी यहाँ पर डी से टेक्स्ट बुक से हमें क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नाइन में आपको क्या करना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए हुए, ये आपकी परीक्षा 4 नंबर के पूछे जाने वाले। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आप लगा लीजिए, पहले क्वेश्चन हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा तीसरे क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चौथे क्वेश्चन में भी हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पर क्वेश्चन 10 पर, जिट द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 का यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, एक कैवेंस दिया, इस कैवेंस को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसके पढ़ने के बाद आपको इसके नीचे यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
पहले क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा, पहले क्वेश्चन हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेल्सन मंडेला। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। अब यहाँ पर हमारा थ्री वाला क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, थ्री वाले क्वेश्चन में हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टेन का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको पोएम्स की लाइनें दी गई, इनका अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, पहले क्वेश्चन हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए टाइगर इन द जो। उसके साथ हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमारा सी है, सॉरी यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्स। इसके साथ हमारा थ्री वाला क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ड्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी यू डबल एल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 11 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी सिक्स। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समथिंग यहाँ पर सेवन क्वेश्चन दिए, सेवन में से सिर्फ आपको क्या करना है, सिक्स मतलब छः क्वेश्चनों का जवाब देना है, ठीक है। इनसे आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में, जिसके आपके यहाँ पर 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो को लास्ट में। यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। 15 वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। अब आप इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर एक पेज से देखा था, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, तो इनके आंसर आपको दे गए, ठीक है, अच्छे से यहाँ से देख कर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर देख लिया, क्वेश्चन 2 में भी आपको दूसरा पेज से देखा था, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है, तो इनके आंसर भी आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको दे गए, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला गया था, ठीक है, जिससे 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 8 का आंसर आपको दिया है, ठीक है, इनके आंसर का क्या करना, आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, ठीक है, अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 के आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 9 के आंसर आपको दे गए और यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 9 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 10 के आंसर देख लिया, क्वेश्चन 10 का यहाँ पर हमारा ए वाला का आंसर आपको दिया हुआ है और ये हमारा बी वाला का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर पर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया था, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, क्वेश्चन 4 में आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला था, किसके बारे में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो दोस्तों आपको वो एप्लीकेशन याद कर लेना है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लिया हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 5 के बाद यहाँ पर हमारा 6 यहाँ पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर सॉरी 6 का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा क्वेश्चन 11 का आंसर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन 11 का यहाँ पर पहले का आंसर आपको मिल जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन 11 का यहाँ पर दूसरा आंसर हो जाएगा। दूसरे के बाद यहाँ पर 3 का आंसर दिया आपका, 4 का आंसर आपको दिया हुआ है, 5वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है, और ये हमारा 6 का आंसर दिया है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 12 का यहाँ पर पहले का आंसर आपको दिया हुआ है, जैसे याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 मतलब 14 क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन आंसर आपको दिया हुआ है, 15 के बाद यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 10वीं का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।